अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो इससे पहले 5 साल तक इन्होंने, इनको याद आती थी क्या किसी चीज की? जैसे ही कोई चीज स्वीकृत होने वाली होती है उसके 10 दिन पहले इनकी पदयात्रा शुरू हो जाती है या 5 दिन पहले पदयात्रा शुरू हो जाती है क्योंकि खबर आ जाती है ये चीज स्वीकृत होने वाली है। बहुत सारे आपने इस समय भूमि पूजन किए हैं, आचार संहिता भी लगने वाली है, उसके पहले बहुत सारे भूमि पूजन हो रहे, तो कोई बड़ा ऐसा निर्माण का कार्य या रोड रास्ते आपने अभी भूमि पूजन किए हैं क्या? एक तो कैला देवी के उधर चाणक्यपुरी का जो रेलवे ओवरब्रिज है तो वो करोड़ों की लागत से, हमें अभी 38 करोड़ की लागत से वो मिला है, अभी 2 दिन पहले ही मिला है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के बहुत बड़े बड़े रास्ते हमें मिले हैं ग्रामीण में भी, जो इतने बड़ी लागत से रास्ते मिल नहीं पा रहे थे, 6-6, 8-8 करोड़ की लागत से रास्ते गाँव से गाँव जोड़ने के जो सालों से पेंडिंग थे वो मिले हैं। उनका अभी 4 दिन से भूमि पूजन, 2 दिन से कल और आज हुए हैं, 2 दिन और होंगे। ऐसे 4 दिन में हम कंटिन्यूस भूमि पूजन कर रहे हैं। सुनवानी गोपाल की एक पुलिया थी जो लोगों को वहां पहुंचने की दिक्कत होती थी, वो उसमें डिले हो रहा था, तो विधायक निधि पूरी मैंने 50 लाख रुपए देकर और एक सुनवानी की पुलिया बनवाने का काम किया है। 6.5 करोड़ से अकालिया की पुलिया, 6.5 करोड़ की लागत से कटिपाल का डैम बनकर तैयार है। ये सारी उपलब्धियां हमने हमारे इस कार्यकाल में ग्रामीण को दी हैं। शहर की बात करूं तो बहुत ज्यादा दिया है, 105 रास्ते शहर में हमने कायाकल्प के माध्यम से स्वीकृत हुए हैं, आधे ही अभी हो पाए हैं, आधों का ही भूमि पूजन हुआ है, आधे चुनाव के बाद होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहा है इसीलिए उससे पहले ही सब होना है, पर हाँ हमारी कोशिश है जितना हो सके आचार संहिता से पहले भूमि पूजन करेंगे ताकि 2 महीने तक विकास कार्य रुकेंगे नहीं, किसी भी हालत में रुकेंगे नहीं, गति कम नहीं होना चाहिए, यही हमारा प्रयास है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी में सारे भूमि पूजन भी कर रहे हैं। राजे हार्ट पिपलिया इसके जोड़ने वाला भी एक लिंक रोड आपके अपनी निजी जमीन से निकाला है, उसमें भी आपने जमीन दी है, वो कितने का प्रोजेक्ट है? वो हाट पिपलिया विधानसभा के लिए एक पैकेज प्रोजेक्ट आया था, 30-33 करोड़ की लागत से उनको 7-8 रोड्स मिले थे जो वो नागदा से होते हुए गए हैं, मेरी विधानसभा को भी टच करते हैं, लोगों को फायदा होगा ऐसी रास्तों का, तो जनहित के लिए काम करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। रजब की बात 5 में से कितने? 5 में से 5। एक और क्या मानते हो और क्या ऐसा आरोप लगा रहे हो, क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं? देखिए ये बात सुनकर ही हंसी आती है, झूठा श्रेय वो ले रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं, काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, देने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से का, अब इसमें कांग्रेस कहाँ आ जाती है आप ही मुझे बताइए। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी हुई सिंचाई योजना है, ये पहले केवल हाटपिपला तक आने वाली थी, मेरे प्रयासों से मैंने पीछे लग के इसको देवास के 74 गांव इंक्लूड करवाए थे और लगातार ध्यान आकर्षण के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से 2020 से मैं करस्पॉन्डेंस कर रही हूँ सरकार के साथ, और अभी 2023 में अगस्त के लगभग टेंडर प्रक्रिया में हमें मालूम पड़ा था कि ये 1,29,000 स्क्वायर हेक्टेयर, मैं आंकड़ों में थोड़ी सी कच्ची हूँ इसलिए 1,29,000 स्क्वायर हेक्टेयर जमीन का ही टेंडर हुआ है, उसमें से 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर कट गए थे। अरे इतना इस तरह से कटना, उसके बाद ऑफिस उनको जुड़वाना, काफी प्रयत्न करना पड़ा होगा। बहुत करना पड़ा और वो मैंने किया है और मैं कैसे किया सिर ऊंचा उठा के बोलती हूँ, आप पेपर वर्क देखिए, क्योंकि जब इसका सर्वे फाइनली हुआ आप जाके अधिकारियों से पूछिए, 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर अगर कट रहा था तो मेरी पूरी विधानसभा कट रही थी, 2 ऑप्शन थे, या तो विधानसभा भी कट सकते थे। 1 मिनट सुनिए आप, मैं बता रही हूँ आपको, पूरी देवास विधानसभा काटना एक ऑप्शन था, या सेकंड ऑप्शन था देवास की एक पट्टी कट जाए और हाटपिपलिया की एक पट्टी कट जाए, मेरे लिए तो दोनों घातक थे।
हाट पिपलिया का तो बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा था, मेरे तो 74 गांव है, उसकी अगर एक पट्टी भी अगर 30 गांव भी कटते हैं तो मुझे केवल 30-35 गांव में सिंचाई योजना ले जाकर कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत पीछे पड़कर और इस 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर को जोड़ने का प्रयत्न किया है। और आप देखेंगे, आप अधिकारियों से बात करिए, पिछले कुछ महीनों में ही ये 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर फिर से जोड़े माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जहां ये 5,000 करोड़ की लागत से परियोजना बनने वाली थी, आज 6,000 करोड़ की लागत से ये परियोजना हो रही है। 1,000 करोड़ रुपए जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, क्योंकि 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर जमीन भी एक्स्ट्रा जोड़ी गई है जो देवास विधानसभा के 74 गांव हैं। तो ये श्रेय लेने की बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेसियों की तो आदत है, आप लोगों ने देखा है, काम वाम कुछ करना नहीं है, बस उस झूठ बोलने में डरते भी नहीं है और बहुत जोर जोर से बोलते हैं। बात चल रही है कि मेट्रो ट्रेन जो इंदौर के लिए शुरू की गई है, भोपाल वाली मेट्रो ट्रेन के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आसपास के शहरों में जाएगी, लेकिन देवास के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। देखिए, हमारी घोषणा पत्र में हम लिख रहे हैं जी, जो हमारे चुनाव के समय घोषणा पत्र आएगा आप देखेंगे, मेट्रो ट्रेन की मांग हमने की है। जैसे ही इंदौर का काम पूरा हो जाता है उसके बाद हमारी मांग रहेगी कि उसको पहले इंडस्ट्रियल एरिया तक लेके आए और उसके बाद फिर पूरी देवास तक। तो ये हमारी मांग सीएम साहब के पास पेंडिंग है। बात केवल इतनी है कि इसके बारे में हमने कभी मीडिया में या खुलकर चर्चा नहीं की है, पर मेरा काम हमेशा से ऐसे ही रहा है, जब पूरा हो जाता है, होने की कगार पे होता है, तब आप लोगों को मालूम पड़ता है। और केवल मेट्रो ही नहीं, हमने बड़े बड़े काम कर कर देवास को दिए हैं इन 5 सालों में, ऐसे ही मेट्रो भी उनमें से एक हिस्सा हो गया आने वाले 5 सालों में। और मेट्रो ही क्यों, मेट्रो के जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे विजन बोर्ड में है, जो हम अगले 5 सालों में करके देवास को देंगे।